28 नवंबर से शुरू हो जाएगा हॉकी की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप। मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इस बार वर्ल्ड कप का बड़ा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों में भारतीय टीम ने न सिर्फ अपने खेल में सुधार किया है बल्कि अपने से कहीं मजबूत टीमों को हराया भी है। ऐसा ही एक मैच था 2015 का हॉकी वर्ल्ड लीग का ब्रॉन्ज मेडल मैच। भारत के सामने थी नीदरलैंड्स, जो उस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन भारतीय टीम ने इस मैच में अपने खेल का स्तर कई गुना बढ़ाकर दिखाया। आइए आपको दिखाते हैं भारत और नीदरलैंड्स की भिड़ंत के पहले हाफ में हमें क्या देखने को मिला। शो में आ वाला था पहला हाफ इंडियन टीम के लिए काफी टेंशन भरा रहा। नीदरलैंड्स के 2 गोल भारत के लिए परेशानी का सबब बन गए थे, पर अभी तो सिर्फ आधा खेल हुआ था। इस मैच की कहानी में अभी कई और दिलचस्प मोड़ आने बाकी थे, दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शो में जिसका नाम है हीरो रोड टू हॉकी वर्ल्ड कप। पहले हाफ में नीदरलैंड्स ने भारत पर 2 गोल करके अच्छा खासा दबाव बना लिया था, पर शायद टीम इंडिया के इरादे कुछ और ही थे। देखते हैं टीम इंडिया ने कैसे किया फाइट बैक। तो जबरदस्त मैच, जबरदस्त जीत, जबरदस्त खेल टीम इंडिया द्वारा, और शूटआउट में नीदरलैंड्स को हराया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हीरो रोड टू हॉकी वर्ल्ड कप में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए शो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।